भाई एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना. ओके तो एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया. भाई कौन सी फॉर्मूला पढ़ ली हम लोगों ने? सर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2. यस tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2. अच्छा बच्चा तो मुझे बताइए कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पे यूज होने वाली है? ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होने वाली है? हेलो ऑल ऑफ यू, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होने वाली है? तो वेरी सिंपल है राइट. आपके पास से आंसर नहीं आ रहा है. यस तो कहाँ पे दे वेयर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर. सही है, तब की बात है ना. ये बात कब की है? तो टू लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर राइट. तो ये हमने स्टडी कर लिया था राइट. लास्ट लेक्चर की बात हम भूल गए नहीं. ओके बट अब बेटा देखो कि ये जो कंडीशन है आइडियल कंडीशन है. इट इज द आइडियल कंडीशन राइट. बट देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन इज देयर ना. देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन इज देयर. ओके सपोज मेरे पास एक ऑप्शन है भाई. एक ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पे समझ तो राइट. कि सपोज एक लाइन ऐसी है, फर्स्ट लाइन ऐसी है जो y इक्वल टू b टाइप की है. दैट मींस पैरेलल टू x एक्सिस राइट. मींस कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है ऐसे. इसको हम y इज इक्वल टू b बोल सकते हैं. एंड दूसरा जो लाइन है वो कोई भी हो सकता है. हेलो लाइक दिस, लाइक दिस. तो हम इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं भाई. Yes, sir. अब मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड सर एंगल. ओके तो ये हमारा थीटा हो जाएगा. Yes, sir. अब आप समझो कि ये जो लाइन है ना इट्स अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसका स्लोप क्या होने वाला है? जीरो. तो इसका स्लोप हो जाएगा एम इक्वन इक्वल टू जीरो. सेकेंड लाइन जो हमारी है एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो तो उसका स्लोप समझो हमने ले लिया एम टू राइट. अभी हम एम टू की वैल्यू क्या आ रही है मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि एम टू का वैल्यू क्या आने वाला है. अभी सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि एम टू समझ में आ रहा है आपको. yes, तो अगर वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड लाइन कोई भी है तो हमारी जो फॉर्मूला है हेलो एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू सही है. yes, अब अच्छा एम वन की जो वैल्यू है वो क्या है? जीरो. yes. तो जीरो पुट कर दिया. yes. यहां पर जीरो पुट कर दिया. yes, तो यहां पे हम tan थीटा इज इक्वल टू एम टू लिख सकते हैं. मॉड्यूलस है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे. तो tan थीटा इक्वल टू एम टू आ गया. yes, तो दैट मीन्स यहां पे हम कौन से कंक्लूजन पे आते हैं? हमारा कंक्लूजन क्या है कि वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड लाइन इज एनी then angle between them is tan theta is equal to modulus m that is slope of the second line. slope of second line right. yes. message की भाषा लिख रहा हूँ. message की language है. slope लिख रहा हूँ. message की language है. समझ में आ रहा है? yes. spelling mistake नहीं है. okay. so slope of the second line clear. yes. जल्दी खत्म हो इसलिए ऐसा करना पड़ता है. okay. तो ये हमारा एक आ गया राइट. नाउ दूसरा पॉइंट. इफ वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. हेलो वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो बेटा हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर टू लेते हैं यहां पे. yes, कि वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है मेरे पास. ऑप्शन टू क्लियर. वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस मीन्स हम ये लाइन इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट. एक कोई भी लाइन है समझ. एक्स इक्वल टू एट है कोई भी लाइन हो सकती है. अब दूसरी लाइन भी कोई भी हो सकती है ना. बट कोई भी दैट मीन्स एनी लाइन दैट मीन्स
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बच्चा यहां भी समझने वाली बात है कि यहां पर भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, यहां पर भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। यहां पे जो है ना वो हमने ऐसे लिया है थीटा, सही है। अब दूसरा ऑप्शन, हाँ दैट्स गुड, हाँ दूसरा जो ऑप्शन होगा उसमें क्या होने वाला है, थीटा इज स्मॉल, हाँ ये ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। yes. तो ये दोनों ऑप्शन हम ले सकते हैं। yes. यहाँ पे जो लाइन एंगल बना रही है वो सेकंड क्वाड्रेंट बना रही है, दैट मीन्स कि पाई बाई टू लेस देन पाई कंडीशन के लिए, राइट। ओके अब बेटा मेरा तो इंटेंशन क्या है, स्लोप फाइंड नहीं नहीं एंगल फाइंड करना, yes, सही है। ओके yes, अब देखो भाई ये जो ट्राइंगल होगा ना, तो ये जो एंगल है इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे अल्फा बोल रहा हूँ, चलेगा yes, जो मुझे फाइंड करना है। yes. अब बेटा ये कितने का होने वाला है, 90 का। तो ए एंगल कितने का होने वाला है, 180 सही है। yes, अब ये तो ट्राइंगल है। yes. भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का अगर हम समेशन करें तो कितना होता है, 180। तो बच्चा ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अल्फा प्लस पाई बाई टू प्लस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई, अरे हट। yes. तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा आ गया। yes, sir. माइनस कॉमन ले ले तो पाई बाई टू माइनस थीटा आ जाएगा। यस राइट, सेम थिंग यहाँ पे होने वाला है भाई। यहाँ पे अल्फा है ये 90 है, सही है। यस सर, राइट। अब वी नो वेरी वेल की भी एडिशन करेंगे तो कितना होने वाला है, एडिशन 180 सर। 180, सो पाई बाई टू इज इक्वल टू 180 होने वाला है भाई। यस सर, अब इसको ट्रांसफर कर दे तो अल्फा इज इक्वल अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। यस, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या होने वाला है भाई, पाई बाई टू माइनस थीटा होने वाला है। यस सर, अब बेटा ये माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा है। यस, ये पाई बाई टू माइनस थीटा है। yes. तो हर बार का हम चेक करने जाएंगे कि भाई क्या प्लस है क्या माइनस है, तो ये जो एरर है वो हमें रिमूव करनी है। Yes. और ये हम रिमूव करने के लिए हम मॉड्यूलस का यूज करने वाले हैं। हेलो, हम मॉड्यूलस का यूज करने वाले हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस पाई बाय टू माइनस थीटा पुट कर दे तो इट इज द फॉर्मूला व्हेन वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड लाइन इज एनी तो ये आपका एंगल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एंगल।